विधानसभा चुनावों को सकुशल संपन्न कराने में जुटी पुलिस को थाना जैत क्षेत्र से शराब की खेप पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शराब की 47 पेटी व अवैध तमंचा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। जैत थाना प्रभारी सुशील कुमार योगी के अनुसार मंगलवार की रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वृंदावन प्रॉपर्टीज के समीप से हैज अस्पताल के पीछे रहने वाले हरीश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से अरुणाचल मार्ग का 47 पेटी व 13 क्वार्टर अवैध शराब तथा 315 बोर का एक तमंचा व 2 कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सुशील कुमार योगी, भक्ति वेदांत गुरुकुल चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह, मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह आदि थे।